हर दिन उगता सूरज अपने साथ ले आता है एक नया सवेरा और दुनिया निकल पड़ती है अपने अपने कामों पर। कुछ लोग काम करते हैं पैसों के लिए, कुछ लोग जीने के लिए, कुछ नाम और कुछ शोहरत के लिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मन में एक धुन लिए किसी एक जिद किसी मकसद के लिए काम करते हैं। इन्हें भीड़ से अलग चलते देख कभी लोग इन्हें पागल या कभी जिद्दी भी कहते हैं, पर यही वो लोग होते हैं जो बचे हुए लोगों के सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल के रख देते हैं। यही वो लोग होते हैं जो दुनिया बदल देते हैं। इंडिया में टेक्निकल ट्रेनिंग का मक्का कहे जाने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पढ़ना आज भारत के हर बच्चे का सपना होता है। एक ऐसा सपना जिसे सीने में लिए लाखों बच्चे हर साल अपना सब कुछ दांव पे लगाते हैं, पर इसमें चयन मात्र कुछ ही का हो पाता है। उनमें से भी कुछ बिरले ही टॉप रैंक्स लाने में कामयाब होते हैं। आईआईटी जेई की टफनेस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर साल 12 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें कॉम्पीट करते हैं, और आप समझिए सिर्फ 1.5 लाख स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होता है, तो एग्जाम कितनी टफ है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आईआईटी एक ऐसा एग्जाम है जो कंप्लीट टेस्टिमोनी को टेस्ट करता है, इंटेलिजेंसिया, हार्ड वर्क, लेबर एंड द कंप्लीट एनिग्मा ऑफ द आईआईटी is that it is known to be the one of the toughest exams. एक तरफ जहां IIT JEE में सेलेक्ट होना ही बड़ी बात मानी जाती है, वहीं भारत में एक टीचर ऐसे भी हैं जिन्होंने लगातार सालों में टॉप JEE रैंक्स 4 जोन टॉपर्स देकर एक नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। प्रोफेसर सुमित उपमन्यु की यही सफलता JEE ट्रेनिंग के धुरंधरों को भी दांतों तले उंगलियां दबाने पे मजबूर कर देती है। I travel in to different parts of the country working with different corporate professionals. Regarding Sumit Upmanyu sir, the guy who is very much down to earth, his knowledge about physics is immense, just immense. Aisa gyan to maine kisi ka nahi dekha hai. RD Sharma sir, as all of us know, is a mathematics maestro and been known for his in-depth knowledge of mathematics all across the nation. If I can recall correctly, he arrived in the city in the year 2012. It was a seminar based on pure mathematics. And after the seminar got over, he was having a chat with Sumit Upmanyu sir. I still don't know on what topic they were having a talk with. But then the chat lasted for not more than 10 minutes. As Sumit Upmanyu sir went away, Dr. R.D. Sharma sir came to me, and I can recall that line still. It's echoing there. He spoke out a single line: "Upmanyu is brilliant." This guy has reached such a level of JEE training that he should not be teaching the students only. He should, in fact, teach the trainers and the faculties only. सुमित उपमन्यु सर की यही अनोखी बात हमें ले आई है इस आधुनिक शिक्षा महर्षि से मिलने। सबसे पहले हमने सुमित सर से उनकी JEE ट्रेनिंग की इनक्रेडिबल सक्सेस का राज पूछा। देखिए, इसमें सीक्रेट वाले तो खैर कोई बात नहीं, मेहनत स्टूडेंट्स ही करते हैं। मैंने टीम ने उन्हें वो डायरेक्शन वो सपोर्ट बेस दिया जिससे कि वो जिस मुकाम के हकदार थे उसे वो अचीव कर पाए। दूसरा, पढ़ाने में मजा आता है और उसके अलावा कुछ और आता नहीं, इसी को आप सीक्रेट समझ लीजिए। सुमित उपमन्यु सर का जन्म और परवरिश इंदौर शहर के पास घाटा बिलौर नाम के एक गांव में आर्थिक रूप से अत्यंत साधारण परिवार में हुई। उनकी शिक्षा पासी के गांव मुल्तान के जवाहर नवोदय विद्यालय में हुई। परिस्थिति कठिन थी, जैसा आमतौर में गाँव में होता है कि कई दिनों तक बिजली नहीं होती थी तो लैंप की लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। आज जब स्टूडेंट्स को मिलने वाली सुविधाएं देखते हैं तो कई बार मन में लगता है कि काश गांव के स्टूडेंट्स को भी ये सुविधाएं मिल पाए तो उनका टैलेंट भी बहुत आगे जा सकता है।
अपनी हायर सेकेंडरी तक की एजुकेशन गांव से पूरी करने के बाद सुमित सर का चयन सेंट्रल इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस श्री गोविंद राम सिकसारिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग GSITS में हुआ। मैं प्रतिभा तो शुरू से ही थी और ये बहुत मेधावी छात्र रहे हैं और इन सबसे अच्छी बात ये कि अपने टीचर्स का बहुत सम्मान करते हैं। आजकल के स्टूडेंट्स में ये मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। सुमित उपमन्यु सर ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर एक छोटे से 1 BHK फ्लैट में एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैटलाइजर की शुरुआत की। ईश्वर ने जो सबसे बड़ी सहायता की है वो मुझे मेरे ही जैसे साथियों का मिलना। नितिन सर, विपिन सर ने जहाँ पूरी तरह से उन स्टूडेंट्स को जूनियर से फोकस करना स्टार्ट किया, वहीं मैंने और गर्ग सर ने IIT JEE सेगमेंट पे फोकस किया और फिर जो हुआ वो इट्स सर्टेनली अ बिग हिस्ट्री। It is an ongoing history with CatalyseR for breaking all the existing records for growth of any institute in the fraternity. With an unprecedented growth, the organization broke the confinements of Indore and extended its quality services to other cities. The best thing about CatalyseR, I think, would be the way you enter into junior classes for exams like NTSC and Olympiads, and then slowly and gradually they turn you into an IIT. स्टार्टिंग डेज थे कैटलाइजर के, तब जो स्टूडेंट ज्वाइन करते थे वो बहुत साधारण टैलेंट के होते थे। उपमन्यु सर ने जिद पकड़ ली कि इनके टैलेंट की कमी इनके स्टडी आवर्स इनके प्रैक्टिस बढ़ाकर ही दूर की जा सकती है। परिणाम ये हुआ कि उपमन्यु सर ने स्टूडेंट्स के साथ कैटलाइजर पर रुकना शुरू कर दिया, रात में भी दिन में भी। 24 घंटे उसको वहीं रखते थे, अपने साथ में रखते थे, बोला आप इसको भूल जाइए, बोला आपको कुछ जरूरत नहीं है। Those days were like wonderful. रात को 2-3 बजे तक उपमन्यु सर पढ़ाते थे, शीट सॉल्व कराते थे, हमारे स्टडी आवर्स और सॉल्विंग प्रैक्टिस काफ़ी बढ़ चुके थे। मैं जब सुमित उपमन्यु सर और गर्ग सर के साथ रात रात को बैठता था, दे यूज टू सॉल्व माई डाउट्स एंड नेवर यूज टू से दैट बेटा आप घर चलते हैं। मैं उनको देख के मेहनत करना सीखा हूँ। By then, CatalyseR had turned into a mighty educational powerhouse with 14 sprawling campuses with total area of 2,50,000 square feet. But he chose to train students beyond the limited classroom method in a much more personalized way. When we came home, we said that some students will stay in our house. They will not eat, not stay, everything will stay. At the beginning, it felt a little strange. Some anger came. फिर इनका अपने स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेशन देखकर लगा कि मुझे भी अपना रोल निभाना होगा और इन पे और भी प्राउड फील हो। देखिए, IIT JEE के लिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से तैयारी करते हैं, तो उन्हें पढ़ाना कभी भी पार्ट टाइम जॉब नहीं होना चाहिए। उनके अंदर का बेस्ट आप तभी निकाल पाएंगे जब आपका इन्वॉल्वमेंट भी स्टूडेंट्स के साथ उतना ही हो जितना उनके अपने गोल के प्रति है। घर वालों को शुरुआत में थोड़ा अजीब ज़रूर लगा, पर मैंने उन्हें किसी तरह मना ही लिया। इसे घर वालों को भी पता था कि मैं किसी की नहीं मानूंगा। फिर शुरू हुआ JEE ट्रेनिंग का नया दौर। उन्होंने कुछ गिनती के स्टूडेंट्स चुनकर उन्हें दिन रात क्लास और घर में ट्रेन करना शुरू कर दिया। दिन और रात के बीच की लकीर अब धुंधली पड़ती जा रही थी। टाइम, रेस्ट एंड रिक्रिएशन, उनके और उनके स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ कुछ शब्द ही बनकर रह गए थे। फिर जो हुआ, people call it a miracle. I have worked in Kota for several years at places where lakhs of students were enrolled and talent from all across the nation. But when I saw CatalyseR, I was stunned. और हो भी क्यों ना, IIT के लिए सिर्फ 450 स्टूडेंट्स लेना और साल दर साल टॉप रैंक्स देना, यही सुमित उपमन्यु सर और उनकी टीम की आदत बन चुकी थी। उनके मुताबिक इस इनक्रेडिबल रिजल्ट्स देने की परंपरा में उनके बड़े सपोर्ट के रूप में उनके साथ रहे सुमित गर्ग सर और BS चौहान सर। जहां गर्ग सर की इतनी जबरदस्त एक कमांड है मैथमेटिक्स के ऊपर और BS चौहान सर और शर्मा सर का जो केमिस्ट्री में एक इनडेप्थ नॉलेज है, उससे हमें स्टूडेंट्स को उनका गोल अचीव करवाने में बहुत ज्यादा हमें आसानी हुई। इन JEE मैथमेटिक्स इज द की। आई हैव ऑलवेज बीन मेस्मराइज्ड विद मैथमेटिक्स राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड। जब मेरे फ्रेंड्स ग्राउंड में खेला करते थे, उस समय भी मैं नंबर्स के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करता था। टीचिंग JEE मैथमेटिक्स इज़ फन टू मी एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू ऑल माय लाइफ। अगर मैथ्स और फिजिक्स आपकी JEE में रैंक डिसाइड करता है तो केमिस्ट्री आपके स्कोर को ऊपर ले जाता है। हो सकता है किसी बच्चे का मैथ्स कमज़ोर हो,
लेकिन अगर वो पूरी लगन से खुद को इस सब्जेक्ट में अप्लाई करता है और मैं जो कहता हूँ उसे फॉलो करता है, तो इस बात में कोई डाउट नहीं, ही विल बी द टॉप स्कोरर इन केमिस्ट्री। उपमन्यु सर का दिन अपने स्टूडेंट्स के साथ सुबह सुबह पास ही के बगीचे में शुरू होता है। दिन में बैक टू बैक लेक्चर्स के बाद ज्यादातर उनका दिन रात को 2-3 बजे तक स्टूडेंट्स के डाउट के साथ ही खत्म होता है। JEE ट्रेनिंग, एज आई ऑलवेज इंसिस्ट, शुड बी अ 360 डिग्री अप्रोच। आई हम्बली बिलीव दैट दिस इज व्हाट मेनी इंस्टीट्यूट्स आर फेलिंग टू डू और आर इवन नॉट थिंकिंग अबाउट कीपिंग देयर स्टूडेंट्स पॉजिटिव एंड फिजिकली फिट। प्रेशर मुक्त रहो। मैं अपने स्टूडेंट्स से हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि हारे मन से मैदान नहीं जीते जाते। आपको फिट रहना होगा, शरीर से, मन से और दिमाग से। देखिए, आप हमेशा ये पाएंगे कि लाखों की भीड़ स्टूडेंट में एक तरह का हताशा, एक तरह के निराशा का भाव लाती ही है। इसी फ्रस्ट्रेशन में कई स्टूडेंट्स का टैलेंट, सैकड़ों स्टूडेंट्स का टैलेंट वेस्ट हो गया और आज भी वेस्ट हो रहा है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि IIT JEE की तैयारी एक तरह का तप है और इसके लिए पढ़ाना एक तरह की आराधना। तो क्या उपमन्यु सर की ये आराधना सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही सीमित है? एक अच्छा गुरु हमेशा से कोशिश करता है कि वो अच्छे शिष्य तैयार करे, लेकिन जो श्रेष्ठ गुरु होते हैं उनकी आदत रहती है कि वे अपने जैसे गुरु क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उपमन्यु सर आज JEE ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को तो दे ही रहे हैं, श्रेष्ठ दे रहे हैं, लेकिन एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो उन्होंने कैटलाइजर पे की कि उन्होंने फैकल्टीज़ को भी JEE ट्रेनिंग के लिए ट्रेन करना स्टार्ट किया। आज इस दिव्य ज्योति से असंख्यों दीप जल रहे हैं और उसका एक सबसे अच्छा परिणाम ये रहा कि आज उनका विजन आंखों में लिए और उनका डेडिकेशन अपने हृदय में लिए एक पूरी एक जनरेशन कैटलाइजर पर तैयार है जो स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए सिद्ध है। तो IIT का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए JEE में सक्सेस मंत्र क्या है? स्टूडेंट्स को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि IIT JEE की तैयारी एक हिस्सा है जीवन का, वो पूरा जीवन नहीं है। आपकी लाइफ बहुत बड़ी होती है, उसे अच्छे कामों में लगाएं। अभी आप IIT की तैयारी कर रहे हैं तो इसे पूरा मन लगा कर कीजिए। आप अपने एफर्ट्स बढ़ाते जाएं और बाकी फिर आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए। और साथ ही मैं पेरेंट्स के लिए ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के प्रयत्नों को सराहें, न करने पर उन्हें समझाएं, लेकिन उनका साथ हमेशा दें, क्योंकि आपका यही मोरल सपोर्ट उन्हें सबसे ज़्यादा एक संबल प्रदान करता है। उन्हें इंस्पायर करें और फिर अगर वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं तो उनके जैसे भी परिणाम आए आप उनके साथ खड़े रहें। आज फिर इस युवा शिक्षा महर्षि ने सिद्ध किया है कि काम चाहे दिशा देने का हो या शिक्षा देने का, काम के प्रति अथाह प्रेम और विश्वास हो तब सफलता आपके कार्य की ही होती है। आज ये अपनी राह पे अविचल चलते जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की प्रगतिकरण की सेवा का ये भाव अक्षुण्ण रहे, श्रेष्ठ रैंक्स की ये गंगोत्री सुरक्षित रहे, मुस्कुराहटें फैलें, दुनिया की बेहतरी के लिए किए जाने वाले प्रयास सफल हों।